जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU के छात्रों ने मोदी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। कॉलेज प्रशासन ने आखिरकार फीस बढ़ोतरी के फैसले को वापस ले लिया है। मोदी सरकार ने हॉस्टल फीस रिवाइज कर दी है, जो कि आशंका रूप से प्रस्तावित फीस स्ट्रक्चर से कम है। साथ ही गरीब छात्रों को आर्थिक सहायता देने के लिए एक स्कीम प्रस्तावित की गई है। इसकी जानकारी HRD मिनिस्ट्री ने ट्वीट कर दी। दरअसल JNU प्रशासन ने 3000% तक JNU हॉस्टल चार्ज बढ़ा दिया था। इस फीस स्ट्रक्चर पर बवाल मच गया। इसे लेकर ही छात्र लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे। JNU छात्र संघ ने बुधवार को हुई एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक के ठीक पहले बैठक स्थल के बाहर धरना दिया था। वहीं ABBP ने भी बुधवार को UGC कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था। फीस वृद्धि के इस पूरे मामले में देश भर के संस्थानों के छात्र संगठन एकजुट होकर के JNU के सपोर्ट में आए थे। JNU मामले को लेकर सोशल मीडिया में भी लोगों ने फीस वृद्धि को गलत ठहराया था। छात्रों के विरोध प्रदर्शन को JNU शिक्षक संघ का भी समर्थन मिला। JNU शिक्षक संघ ने छात्रों पर बर्बरतापूर्वक की गई पुलिस कार्यवाही की निंदा करते हुए कुलपति के इस्तीफे की भी मांग की थी। आपको बता दें कि JNU प्रशासन ने हॉस्टल में एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, क्रॉकरी और न्यूज़पेपर चार्जेस जैसी कोई फीस नहीं बढ़ाई थी, लेकिन रूम रेंट में भारी बढ़ोतरी की गई थी। JNU प्रशासन ने सिंगल सीटर हॉस्टल रूम रेंट को 20 रुपए से बढ़ाकर सीधे 600 रुपए कर दिया था। वहीं डबल सीटर का रेंट 10 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया था। अगर देखा जाए तो ये पहले के मुताबिक काफी ज्यादा था। इसके अलावा प्रशासन ने एडिशनल फीस भी जोड़ा था, जैसे कि हॉस्टल में पहले छात्रों को कभी सर्विस चार्ज या यूटिलिटी चार्जेस जैसे कि पानी और बिजली के पैसे नहीं देने होते थे। JNU प्रशासन की ओर से इसके लिए भी भारी चार्जेस जोड़ा गया था। यूटिलिटी चार्जेस की तौर पर एज पर एक्चुअल यानी इस्तेमाल के अनुसार बिल का प्रावधान कर दिया गया था, जिसके अनुसार स्टूडेंट को इस्तेमाल के हिसाब से इसका खर्च देना पड़ता है। वहीं सर्विस चार्जेस की तौर पर IHA कमेटी ने 1700 रुपए महीने फीस जोड़ दी थी। प्रति महीने इतनी रकम हर छात्रों को देनी पड़ती। इसके अलावा प्रशासन ने वन टाइम मिस सिक्योरिटी, जो कि पहले 5500 रुपए थी, इसे भी 200% से ज्यादा बढ़ाकर 12000 रुपए कर दिया था। ऐसे में छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। छात्रों के लगातार प्रोटेस्ट के बाद JNU EC मीटिंग में फीस में आंशिक रोल बैंक हुआ, जिसके बाद सिंगल रूम का रेंट 200 रुपए कर दिया गया, जो पहले 20 रुपए था, और बढ़ाकर 600 रुपए किया जाने का प्रस्ताव था। वहीं डबल रूम का रेंट 100 रुपए किया गया, जो पहले 10 रुपए था, और बढ़ाकर 300 रुपए किए जाने का प्रस्ताव था। वन टाइम में सिक्योरिटी 5500 रुपए की गई, जो पहले 5500 रुपए ही थी, लेकिन बढ़ाकर 12000 रुपए किए जाने का प्रस्ताव था। सर्विस चार्जेस एज पर एक्चुअल ही रहेगा। वहीं यूटिलिटी चार्जेस 1700 रुपए होगी, जो कि पहले नहीं लिया जाता था, और 1700 रुपए प्रस्तावित थे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमारे YouTube चैनल द जेड प्लस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें और शेयर करें।